सत्य घटनाओं पर आधारित यह फिल्म। इस फिल्म में दर्शाई गई सभी घटनाएं सत्य व आंखों देखी है, जो हम आपको इस फिल्म के जरिए दिखाने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप इस फिल्म को न सिर्फ ध्यान से देखेंगे बल्कि अपने दर्द की तरह बेजुबान और मासूम पक्षियों के दर्द को भी समझने की कोशिश करेंगे। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आते ही आप सोचते हैं कि हम सब बिल्डिंग के टेरेस पर जाएंगे, पतंग उड़ाकर पेच लड़ाएंगे, काटकर दूसरे की पतंगों को खूब मौज मनाएंगे। पर कभी आपने ये सोचा कि आपकी इस मौज मस्ती में सिर्फ पतंगे ही नहीं, बेजुबान और मासूम पक्षियों की गर्दनें भी कटती हैं, और अनजाने में न सिर्फ आप पक्षियों के हत्यारे बन जाते हैं बल्कि पाप के भागीदार भी होते हैं। गौर से देखिए किस तरह से लहूलुहान हुए हैं मकर संक्रांति के अवसर पर मांझों से कटकर ये पक्षी। लोग अपने मनोरंजन के लिए पतंगे उड़ाते हैं और अनजाने में न जाने कितने पक्षियों को मांझों से काटते जाते हैं। गौर से देखिए और जरा सोचिए कि मरते मरते तड़प तड़प कर क्या कहती होगी आपसे मासूम पक्षियों की ये तड़पती हुई आत्माएं। क्या गुनाह है मेरा, क्या मजा मिला आपको बेवजह मुझे मारकर। खून हमारा भी निकलता है, दर्द हमें भी होता है। परिवार हमारा भी होता है और इंसानों की तरह मेरे मरने के बाद मेरा भी परिवार रोता है। मरकर बिछड़ने का गम हम पक्षियों को भी होता है। आपका खून खून है, हमारा खून खून नहीं। आपका दर्द दर्द है, हमारा दर्द दर्द नहीं। तो फिर क्यों मारा मुझे, क्या कसूर था हमारा, क्यों ली हमारी जान। बताओ, हमारी जान लेने से पहले तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी पतंग के इन माजों से जब तुम्हारी जरा सी उंगली या हाथ कट जाता है तो तुम्हें कितना दर्द होता है। जरा सोचो, जब तुम्हारी पतंग के माजे से हमारी गर्दन या हमारा शरीर कटता है तो तुम्हारे दर्द से हमारा दर्द कितना गुना अधिक होता होगा, और हमारी दर्द भरी मौतों का तुम्हें
जरा भी एहसास नहीं? आप तो पतंगे उड़ाकर खुशियां मना रहे हैं और हम बेमौत मारे जा रहे हैं। आप खुशियों से उछल रहे हैं और हम तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। क्या आप शिकारी हैं या फिर आप कसाई हैं? नहीं ना, तो फिर अपने शौक के लिए इतनी क्रूरता क्यों? आखिर कब तक आपके पतंग की डोर हम पक्षियों के जीवन की डोर काटती रहेगी? कब तक आपका मांजा मेरे खून से रंगता रहेगा? और कब तक आपकी मकर संक्रांति का मजा बनेगा हम पक्षियों की मौत की सजा? हम निर्दोष बेजुबान असहाय पक्षियों ने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अब तो समझ जाओ और अब बंद भी करो पतंगों का ये खूनी खेल। जानते हो, इस खेल ने पिछले वर्ष में 800 से भी ज्यादा पक्षी घायल हुए, न जाने कितने बेमौत मारे गए। कानून के मुताबिक पशु पक्षियों की हिंसा गैर कानूनी है। भारत के संविधान में भी तो कहा गया है कि सभी पशु पक्षियों के प्रति दया, प्रेम और करुणा की भावना रखिए, क्योंकि दूसरे जीवों की तरह पक्षी भी ईश्वर की देन है। उन्हें मारना या उनका दिल दुखाना ईश्वर के दिल दुखाने के बराबर है। तो देखिए कितने प्यार से ये बच्चे संकल्प ले रहे हैं। पक्षियों पर दया करेंगे, जीव हत्या से बचेंगे, पतंगे नहीं उड़ाएंगे, पक्षियों को मरने से अब हम बचाएंगे। आप भी संकल्प लीजिए कि मकर संक्रांति के इस पावन व पवित्र पर्व को अपवित्र नहीं बनाएंगे। मकर संक्रांति मनाइए, खाइए और खिलाइए, पर पतंग मत उड़ाइए। जीव दया विभाग, गिरीश वरैया।